एक और डेडलाइन गुजर गई। अलीमा खान ने टैक्स जुर्माना जमा ना कराया। एफबीआर ने टैक्स अदायगी के लिए 7 फरवरी तक मोहलत दी थी। अलीमा खान ने 13 जनवरी को 73 लाख रुपए की अदायगी की, बकाया 2 करोड़ 21 लाख की रकम ताहाल अदा नहीं की। अलीमा खान ने बकाया टैक्स की अदायगी के लिए 21 जनवरी तक मोहलत मांगी थी। बाद में एफबीआर ने 21 जनवरी के बाद 7 फरवरी के लिए टैक्स अदायगी का नोटिस दिया था। अलीमा खान ने दुबई में 28,78,000 दिरहम से ज्यादा मालिक का फ्लैट खरीदा था। एफबीआर ने अलीमा खान पर टैक्स और जुर्माना की मद में 2,94,15,600 रुपए आयद किए थे। एफबीआर ने अलीमा खान को फ्लैट छुपाने पर 100% जुर्माना किया था। अलीमा खान ने जुर्माना और टैक्स की कुल रकम का 25% अदायगी कर दी थी।